दोस्तों फाइनली यहाँ पे IQ 12 ये स्मार्टफोन आपके सामने है, और सबसे अच्छी बात ये है कि ये मल्टीपल वेरिएंट में लॉन्च हो रहा है, उसी के हिसाब से आपको मल्टीपल प्राइस भी सामने है, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि मल्टीपल वेरिएंट के होने की वजह से यूजर्स काफ़ी बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे अगर मैं वन बाई वन करके बात करूँ, जैसे सबसे पहले डिस्प्ले जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो IQ 12 में 144 Hz का रिफ्रेश रेट है, 2160 Hz का PWM डिमिंग है, और 3000 तक की नीट्स के पीक ब्राइटनेस के साथ है 6.78 इंच का। वहीं 1 के LTPO OLED डिस्प्ले दे रखा है। वहीं पे अगर मैं स्टोरेज की बात करूं, जैसे कि रैम व स्टोरेज 16 GB रैम और 1 TB तक स्टोरेज बढ़ाया जा रहा है। कैमरे की बात करूं तो 12 में सबसे पहले OIS का सपोर्ट है, इसमें 50 MP का और 1.3 इंच का प्राइमरी कैमरा और 50 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 3x जूम और 1000x जूम डिजिटल जूम के साथ 64 MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा मौजूद है। सेल्फी के लिए 16 MP का फ्रंट कैमरा है। सॉफ्टवेयर की मोर्चे में जहां तक बात हो रही है, ओरिजिन OS 4.0 कस्टम स्किन्स के एंड्रॉइड 14 पर चलता है। बैटरी के मामले में बताया कि 120 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, जहां तक 5000 mAh की बैटरी दे रखे हैं। बता दूं कि जो इसमें मल्टीपल वेरिएंट की बातें हो रही हैं, 12 GB रैम है, 16 GB रैम है, और फिर 12 GB और फिर उसके साथ जो स्टोरेज है 256 GB का स्टोरेज लगभग 45,800 रुपये के आसपास में है। फिर एक है 16 GB 512 GB के दो वेरिएंट हैं, जिसमें शुरुआती में लगभग 57,000 रुपये के आसपास में आपको देना पड़ सकता है। एक वेरिएंट और है जहां पे बताया जा रहा है कि मे बी वो आपको ई हो सकते हैं सीरीज़ में या कुछ और, जो कि 56 से 57 या 54 हज़ार रुपये के आसपास में है, जहां पर सबसे अहम चीज़ें हैं कि 12 को इन हाउस Q1 चिप के साथ स्नैपड्रैगन 8th Gen 3 चिपसेट को लॉन्च किया है। वहीं स्मार्टफोन में 50 MP का प्राइमरी कैमरा और 50 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 64 MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस कैमरे के सेटअप के साथ है। अब ये लॉन्च की जो डेट बताई जा रही है, ये आपको कहीं ना कहीं 12 दिसंबर के आसपास में लॉन्च होगा। अब ये कहना मुश्किल हो रहा है कि सबसे पहले कहाँ पे लॉन्च होगा, ऑब्वियसली ये चाइना में लॉन्च होगा, उसके साथ साथ किस कंट्री में लॉन्च होगा ये चीज़ कंफर्म अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन चाइना में 12 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से 1 से 1.5 के बीच में। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो यहीं तक की थी, वीडियो को पसंद आ जाए जब लाइक करना शेयर करना। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।